किसी की शादी पे चले। किसकी शादी? हमारे यहाँ तो किसी की शादी नहीं। किसी की भी इसी कपड़ों में, सेम इसी हालात में, नो मेकअप, नो ड्रेस, नो हेयर डू चलते हैं। कैसा लग रहा है बिन बुलाई शादी पर आकर? बहुत बुरा लग रहा है। अब मास्क पहन के रखने हैं लेकिन मेन्यू बहुत है। जी टी इवेंट में लाया हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। अभी जुमे का टाइम नज़दीक है, उठाऊँ मैं तकरीबन 11:30 बजे, उठते ही फिर फ्रेश वगैरह होकर कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद, हल्का फुल्का सा नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे जुमा पढ़ने के लिए। इतना ज्यादा लेट उठने की वजह ये है कि शेख लोग आए हुए हैं, इनके साथ रात में बैठ कर बातचीत करते रहे, बातचीत करते कराते ही हमें सोते सोते 5 बज गए। नाश्ते में कमल ने बनाया है गर्मा गर्म आलू वाला पराठा और ये ठंडी लस्सी। A few minutes later. जुमा पढ़कर हम लोग आ चुके हैं वापस। गाड़ी जी अपनी सही होकर आ चुकी है। अभी बहुत ज्यादा मैली कुचैली हुई हुई है क्योंकि अभी अभी वर्कशॉप से आई है। वर्कशॉप वाले भाई ड्रॉप करके गए इसको। मैं बस इसके ड्राइव लेकर ना इसको चेक करने लगा कि जो जो काम करवाया था वो काम सही से हो भी गया या नहीं हुआ। वर्कशॉप वाले ना वैसे गाड़ी का कचरा बना देते हैं। बंदा थोड़ी बहुत साफ सुथरी रख ले या फिर जब भी किसी को डिलीवर करने जाए तब कम अज कम साफ कर लेनी चाहिए गाड़ी। गाड़ी एकदम टनाटन जबरदस्त और फिट हो गई। 1 hour later. कवल को अपना एक काम था इसलिए उसको मैं यहाँ लेकर आ गया था मार्केट में, लेकिन कवल मेरे सबूत येदल को कर गई थी। ये पता है क्या कर रही थी? कभी गाड़ी को बंद कर देती थी यहाँ से बटन दबाकर, कभी गाड़ी को ऑन कर रही थी, कभी एसी बंद, कभी एसी ऑन। 1 hour later. आज का दिन इस तरह में गुजर रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, ना ही कोई काम है ना ही कोई कार है, बस घर पे वेला घूमता जा रहा हूं, व्लॉग बनाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन लेकिन क्या बेगम आपकी आपके पास? हाँ, ये आइडियाज एक्सपर्ट इस। अच्छा, बंदी का दिमाग ना आइडियाज के लिहाज से बहुत ज्यादा चलता है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि आज कुछ एडवेंचर करते हैं। कुछ क्या एडवेंचर? चले किसी की शादी पे लड़े क्या? किसी की शादी पे चले। किसकी शादी? हमारे यहाँ तो किसी की शादी किसी की भी इसी कपड़ों में, सेम इसी हालात में, नो मेकअप, नो ड्रेस, नो हेयर डू चलते हैं ऐसे। मतलब किसकी शादी पे? किसी की भी। मुझे समझ नहीं आ रही, शादी में दूल्हा दीवाना ऐसा कुछ है ना? बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना ये क्या है? ये अब्दुल्ला दीवाना कहावत है, दूल्हा दीवाना। मैं भी हैरान हो गया कि ये कौन सी मिसाल है। तो तुम कह रही हो किसी की भी शादी हम लोग देखे और उस शादी में घुस जाए और क्या करे? और बस खाना शाना खाए और बेइज्जती भी करवाए? नहीं, बेइज्जती नहीं होती। हो भी सकती है यार, बेगानी शादी पर हम लोग बिना वजह बिना इनविटेशन के घुस जाए तो बेइज्जती हो सकती है। सुनो, घर में इतनी होती है तो बाहर हो जाएगी क्या? ये बात तो बिल्कुल सही कही है यार। चलो फिर तैयारी करो और हेजल को उठाओ, निकलते हैं। अभी हम लोग जाने से लगे हैं लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है कि पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी जब किसी की शादी पर जाएंगे। बहुत ज्यादा बेइज्जत ही ना अगला बंदा हमें कर दे कि यार क्या लेने आए हो तुम लोग। खैर, लेकिन नुकसान ये है कि हम लोग खराब हालात में जा रहे हैं चूंकि, तो ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन का बायस बनेंगे। अगर हम लोग कपड़े शपड़े पहन कर जाते हैं ना तो फिर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन का हम लोगों ने बायस नहीं बनना था। और दूसरा जो मेन नुकसान है वो ये भी है कि इधर को भी साथ लेकर जा रहे हैं तो और ज्यादा अट्रैक्शन का हम लोग बायस बनेंगे। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जाना किधर है? हम लोग यहाँ ही किसी करीबी मैरिज हॉल में या फिर मैरिज लॉन में, पता तो हो ना, या फिर पहले शादी ढूंढते फिर, या फिर आदिल को कॉल करते हैं। ये जो वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं ना ये किसी ना किसी शादी पर मसरूफ ही होते हैं तो वो हमें कोई पता बता देगा। हेलो आदिल, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या कह रहे हो? क्या हाल है? मैं पूछ रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? अच्छा बस एक, हाँ मैं ठीक हूँ, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, मैं इवेंट कवर कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ बाद में बात करूँगा। अच्छा, मैं मुझे भी इवेंट के रिलेटेड ही जानना है, बात सुन लेना। आदिल ने हमें एक जगह का बता दिया और खुशकिस्मती यह है कि हमारा एक बंदा आदिल वहाँ पर ऑलरेडी फोटोग्राफर मौजूद है। ठीक है, तो अभी हमारे घर से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव उस जगह की, वहाँ जा रहे हैं, मेहंदी का इवेंट है वहाँ। A few minutes later. कैसा लग रहा है बिन बुलाई शादी पर आकर? बहुत बुरा लग रहा है। अब मास्क पहन कर रखने हैं लेकिन, ठीक है? हाँ, हालात तुम्हारे भी और मेरे भी, मैंने चप्पल पहनी हुई है और ऊपर ये सलवार की भी सूट।
अच्छी घड़ी, बाल बने हुए मेरे, नहीं बस चप्पल है, सूट नया नहीं है। तकरीबन कोई 12-13 दफा ये मैं सूट पहन चुका हूँ और इस भाई ने हमें ये शादी रिकमेंड किया है कि यहाँ आ जाओ, हम लोगों ने मास्क पहन के रखना है, सुकून से जाएंगे शादी अटेंड करेंगे, अगले दिन शूट ही ना करवाए। मुझे लोगों ने कहना कि तू हमारी खाने में कमी करवा, बिन बुलाए में मान बुला। अच्छा बस हम लोग सुकून से ऐसे ही जाएंगे मास्क पहन कर, खाएंगे पिएंगे, थोड़ी बहुत चिल मस्ती करेंगे, फिर वापस निकल जाएंगे। ठीक है, मास्क नहीं उतारना। हाँ जी मास्क नहीं उतारना। अच्छा खाना भाई लगना शुरू हो गया, खाने में तो बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पर। चिकन टिक्का कबाब, चिकन की रायता, अचार, सैलेड, भटूरे, चने, नान, ये चिकन 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 कोरमे, हाय खाता हूँ बस थोड़ी देर में। आ रही है मां मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रही है, बिकॉज अभी खाना खुला नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉग बनाता फिर रहा हूँ। खाना में ले आया और हम लोगों ने एक साइड वाला टेबल अपने लिए संभाल लिया ताकि सुकून से बैठ कर यहाँ खाना शाना खा ले हम लोग। वाह वाह क्या बना ये, मैं लेकर आया हूँ कबाब, ये क्या है वो टिक्के, नान और साथ में ये सालन रायता। हलीम नहीं है, भटूरे है, वो खाने ले आऊं। अच्छा लेकर आता हूँ। ये लो जी भटूरे, चने भी मैं लेकर आता हूँ, इसे दूर रखना, गरम गरम है ना। और ये लो जी चने, ये भी इधर से दूर रखना, बस इधर को उधर कर दो ना। अच्छा जब निवाला खाओगी ना तब संभल कर, ठीक है। ये लो जी खाना शाना खाने के बाद हम लोग अभी दुल्हा दुल्हन को मिलने भी जाने लगे हैं, इतने ठीक है ना। पिक्चर सेशन हम लोग करके वापस आ गए हैं और पिक्चर सेशन पे पकड़े गए हैं यार। वो कहते हैं अगर आप अपनी लेने आए हैं तो हमारे साथ भी बनाए मास्क उतार कर, तो फिर अभी उनके साथ भी पिक्चर बना कर आए। यार आज तो चेस आ गया, एक नया एडवेंचर जो किया है ना, यकीन करें बहुत मजा आया इस एडवेंचर का। और जो मुझे लग रहा था ना कि बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी और लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कौन है खाना खाने आ गए, एक हकारत भरी नजरों का सामना जो मैंने थोड़ा बहुत वैसे किया है, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी ना उतना सामना नहीं किया उन नजरों का। बहुत अच्छा जब उन लोगों ने पहचान लिया था ना, बहुत अच्छा उन लोगों ने हमारे साथ लूक किया, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हम लोग भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। खैर ये था हमारा आज का एडवेंचर भरा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन क्लिक कर लो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।